दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि बूट पॉलिश में अगर आपको बाहर का जो एरिया होता है, एक्सटीरियर एरिया होता है, उसको बूट पॉलिश कराना है, जैसे आपका मेन डोर हुआ, खिड़की हुआ, और आपको उसको सेफ्टी रखना है, बचाना है, तो आप कौन सी पॉलिश का यूज करेंगे। दोस्तों देखिए, जो पॉलिश का काम होता है वो साधारण तरीके से जो जर्नल पॉलिश होता है वही उसका रूल है, वही तरीका है। जैसे लकड़ी का घसाई करना, लकड़ी की अच्छी तरह से हम घसाई कर लेते हैं तो पहले लकड़ी की घसाई अच्छी तरह ज़रूरी ही होता है। अगर जितनी अच्छी घसाई करेंगे उतना ही बेहतर होता है। अगर हम बेहतर घसाई कर लेते हैं तो हम मानते हैं कि हमारा 50% काम हो चुका है। उसके बाद घसाई करने के बाद हम डायरेक्ट उसको पाउडर डालेंगे, जिसको हम कलर भी कहते हैं। कलर डालने के बाद अच्छी तरह से कलर डालकर पोछाई कर लेंगे। पोछने के बाद जैसा भी कलर होना वैसा कलर डाल लेंगे। उसके बाद हम उस पर एक दो हाथ पॉलिश मारेंगे, फिर सीलर भरेंगे, फिर जितने भी खड्डे हैं जिसको हम मरम्मत कहते हैं खड्डे भर लेंगे, पुटिंग बनाकर भर लेंगे, जो कि कलरफुल पुटिंग होता है। जो तरीका होता है उस तरीके से हम काम कर लेंगे। पुट्टी भरने के बाद हमारा क्या काम होता है, देखिए ये दरवाज़ा कितना ख़राब है लेकिन इसको हम पॉलिश कर रहे हैं, इसकी घसाई कर रहे हैं, इतनी बेहतर तरीक़ा से मेहनत से इसको अच्छी तरह से हम घसाई कर दे रहे हैं। अच्छी तरह से घसाई करने का मतलब ये होता कि हम एकदम कॉर्विन कॉरिडोर है, अच्छी तरह से घसाई करते हैं, लेकिन हम काम उसी हिसाब से करते हैं जिस हिसाब से हमें पैसा मिलता है। इसमें काम करने का तरीका बहुत सारा होता है, तो पैसे के हिसाब से काम किया जाता है। पहली बात आप लोग जान जाइएगा, अगर आप लोग हमारे वीडियो को अगर देख रहे हैं तब। घसाई कर लेंगे, घसाई करने के बाद हम इस पर पाउडर डालेंगे, पाउडर डालने के बाद हम इसको मरम्मत करेंगे, पॉलिश मारेंगे। अब पॉलिश मारने के बाद हम इसको फिनिश कर लेंगे, कलर सेट कर लेंगे। उसके बाद फाइनल कोट पे हम एक्सटीरियर पीयू का उपयोग करेंगे, जो कि एक्सटीरियर पीयू होता है। एक्सटीरियर पीयू में जो 1 लीटर का पीयू होता है, लगभग इस समय के अगर डेट में देखा जाए, उसका रेट देखा जाए तो उसका रेट बहुत हाई है, जो कि 900 रुपये, 1000 रुपये, 1100 रुपये। रेट तो 1100 रुपये दिया है, लेकिन अलग अलग दुकानों पे अलग अलग प्रकार के रेट में वो बिक रहा है, मिल रहा है। तो आपको इस बात को ध्यान देना है कि अगर हम एक्सटीरियर पीयू कराना चाहते हैं तो हमें मतलब महंगा पड़ेगा, आपको महंगा पड़ेगा। और उसका जो बेस होता है ना, बहुत ही मेहनत से जो बेस होता है, जो पॉलिश किया जाता है, बनाना पड़ता है, और थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता है, क्योंकि अगर हम क्वालिटी का बेस नहीं बनाएंगे तो उसका मज़ा नहीं रहेगा, क्योंकि वो बहुत हाई ग्लोस का पॉलिश है। देखिए उसमें 2 प्रकार के पॉलिश आते हैं, मैं बताऊँगा आपको आगे। एक होता है मैट, दूसरा होता है ग्लोजी। आप दोनों में से एक यूज कर सकते हैं, और दोनों का मिक्स जो होता है उसको हम सेविंग ग्लोसी कहते हैं, जो कि न ज़्यादा ग्लोजी रहेगा ना ज़्यादा मैट रहेगा। दोनों 1 लीटर हम मैट डालेंगे, 1 लीटर ग्लोजी डालेंगे, सेविंग ग्लोजी हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो अगर हम ऐसी पॉलिश कराना चाहते हैं अपने घर में, अपने घर को एकदम लग्जरी बूट फिनिशिंग कराना चाहते हैं, तो इस बात को हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि हमें लग्जरी बूट फिनिशिंग कराना है तो पीयू पॉलिश ही कराएं। पीयू पॉलिश में 2 पॉलिश होते हैं, एक इंटीरियर होता है, एक्सटीरियर होता है। एक्सटीरियर पानी से बचाता है, बाहर के लिए बचाता है, इंटीरियर जो होता है अंदर के लिए होता है। लेकिन अगर चाहें तो एक्सटीरियर अंदर भी आप करा सकते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं। लेकिन अगर इंटीरियर अगर बाहर आप करा देते हैं तो पॉलिश आपका चलने वाला नहीं है, 1-2 साल के अंदर ख़राब हो जाएगा, जैसे ही बारिश होगा, जैसे मौसम ख़राब होगा। तो आप अगर बाहर की पॉलिश करा सकते हैं, कराने की ज़रूरत आप समझ रहे हैं तो आप देख सकते हैं, मैंने पॉलिश किया हूँ, अच्छी पॉलिश हुई है, ये सेकेंड क्वालिटी का पॉलिश है, मतलब फर्स्ट क्वालिटी का पॉलिश हम इसको नहीं कर सकते ना, ये GTR पॉलिश में हुआ। दोस्तों नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।